गरम गरम सूप बन रहा है आपके। तो उदन से आपने कुछ खाया नहीं है ठीक से, इतनी कमजोर हो गई है। बीनी जब वापस आएगी तो क्या कहेगी कि बेटे ने माँ का ख्याल ही नहीं रखा। रूसा ने क्यों झूठा इल्जाम लगाया राहिल पे? वो इल्जाम ना लगाती तो अभी बीनी और राहिल खुश होते, मेरी बीनी यहाँ होती। ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी राहिल को मासूम समझ रही है। मामा, उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आपकी बेटी मौत के दोहराए पे खड़ी है मामा, और आप अब भी राहिल को बेकसूर समझ रही हैं, और उरुसा आपकी नजर में अब भी कसूरवार है। मोहब्बत में अंधे लोग इसी तरह से बात करते हैं। काश उरुसा पैदा ही नहीं होती, काश मैंने उसको अपने घर में कभी जगह ना दी होती, बहू ही ना मानती। शुक्र है चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। मेरे जीते जी मैं उसे कभी वापस नहीं आने दूंगी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। ये सुपी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस बीनी चाहिए, मेरी बच्ची वापस आ जाए। क्या बताएं जमाने को, टूटे दिल का फसाना, बेवफा से दिल लगाया उसने ही, ना पहचाना लौटा।